नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। आज हम बात करना शुरू करेंगे एक सवाल से, मोदी जी को खान मार्केट के नाम से गुस्सा क्यों आता है। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खान मार्केट गैंग का जिक्र किया था। उनका संकेत किसी क्रिमिनल गैंग की तरफ नहीं था, बल्कि खान मार्केट के इस तथाकथित गिरोह को उन्होंने एक पॉलिटिकल माफिया की तरह पेश किया। वे कहना चाहते थे कि नई दिल्ली स्थित ये बाजार एंटाइटल्ड एलीट का फेवरेट हॉन्ट है। मोदी जी के हिसाब से ये प्रिविलेज क्लास हमेशा उनको और उनकी पार्टी को क्रिटिसाइज करती रहती है। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी जी ने इसी तरह से लटियंस दिल्ली को टारगेट किया था और अपने आप को एक सिस्टम से बाहर का आउटसाइडर के तौर पे पेश किया था। खान मार्केट गैंग का जिक्र उनकी इसी प्रॉक्सी राजनीति का प्रतीक है। सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी इस मार्केट का जिक्र करते अगर इसका नाम कुछ और होता। आखिरकार यहां से थोड़ी ही दूर मेहरचंद मार्केट स्थित है और यहां भी कोई कम हॉइटी टॉइटी लोग नहीं आते हैं। महंगी चीजों का शौक बहुत लोगों को है, इस सरकार में भी कईयों को है। खुद मोदी जी की एक सूट की भी नीलामी 4 करोड़ में हुई थी। तो बात यह है कि क्या मोदी जी को खान मार्केट से प्रॉब्लम उसके नाम की वजह से है या फिर उसके इतिहास की वजह से। 1951 में स्थापित खान मार्केट का नाम खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ फ्रंटियर गांधी के बड़े भाई खान अब्दुल जब्बार खान के नाम पर पड़ा था। कॉलोनियल इंडिया में बादशाह खान और उनके भाई लीडिंग फ्रीडम फाइटर थे और अहिंसा की एडवोकेसी के लिए जाने जाते थे। हालांकि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बादशाह खान भी कहा जाता था, जब्बार खान के छोटे भाई थे, फिर भी वो ज्यादा फेमस हो गए। बादशाह खान को फ्रंटियर गांधी कहना काफी आयरोनिकल था, क्योंकि पख्तूनिस्तान, जिसको अब पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा या केपी बोला जाता है, वहां अभी भी वायलेंट बदले की भावना एक तरह से पॉलिटिकल कल्चर है। इसके बावजूद उन्होंने गांधीयन नॉन वायलेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी को एम्ब्रेस किया। इतिहास के किसी भी पन्ने के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, आप चाहें तो एक से अनेक पन्ने खोलते जा सकते हैं। धीरे धीरे इतने सारे पन्ने खुल जाते हैं कि आपका फोकस खो जाता है। बादशाह खान की जिंदगी और उनकी रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स के बारे में भी यही खतरा है। इससे बचने के लिए आज मैं कुछ ही पन्ने खोलूंगा। अभी हाल में देश भर में काफी पब्लिसिटी के साथ जलियांवाला बाग के मैसेकर की सेंटेनरी को मनाया गया। ब्रिटिश राज के वक्त के मैसेकर्स में से एक भूला हुआ पन्ना पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार कार्नेज का भी। इसे याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आजादी की लड़ाई का कॉम्पोजिट नेचर दर्शाता है। पेशावर के इस प्रसिद्ध बाजार में अप्रैल 1930 में ब्रिटिश सैनिकों ने अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की, जिसमें कई सौ पख्तून नागरिकों की मृत्यु हो गई। इनमें से ज्यादातर जो लोग मारे गए वो खुदाई खिदमतगार, जो बादशाह खान जो संगठन बनाया था उसके मेंबर थे, उसके सपोर्टर थे। ये वही पीरियड है जब गांधी जी ने डांडी मार्च करके और सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान करके देश को एकदम से इलेक्ट्रिफाई कर दिया था और ये प्रोटेस्टर्स उसी आंदोलन के हिस्सेदार थे। बादशाह खान ने खुदाई खिदमतगार इस घटना के कुछ ही साल पहले इसको गठित किया था और उन्होंने इस आंदोलन को, या संगठन बोले, इसको इसलिए शुरू किया था। उनका उद्देश्य ये था कि उस रीजन में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई जाए
और अंग्रेजों के खिलाफ एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। किस्सा ख्वानी बाजार मैसकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के इलाकों का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। गढ़वाल राइफल के दो प्लेटून को प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने के लिए ऑर्डर किया गया था, मगर उन्होंने विद्रोह किया और फायरिंग करने से इनकार कर दिया। उन सैनिकों को बाद में कोर्ट मार्शल किया गया और कड़ी सजा दी गई। बादशाह खान को आंदोलन के शुरुआत में ही अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया। इस मैसेकर की खबर सुनकर उन्होंने अपने संगठन के साथियों को मुस्लिम लीग से मदद मांगने के लिए कहा, मगर लीग ने उनकी एक ना सुनी और उनके नेताओं को कहा कि वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को नाराज नहीं कर सकते। बादशाह खान और कांग्रेस के बीच में कनेक्शन इस घटना के बाद और गहरा हो गया। खुदाई खिदमतगार के पॉलिटिकल विंग फ्रंटियर नेशनल कांग्रेस ने 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में स्वीपिंग विक्ट्री हासिल की और जब्बार खान NWFP के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार फ्रंटियर गांधी को बार बार अरेस्ट करने लगी और उन्होंने कांग्रेस के कई टॉप लीडर्स से भी ज्यादा वक्त जेल में काटा। इसकी वजह से उनको बादशाह खान या खानों का खान कहा जाने लगा। वे मजाक में कहते थे कि अंग्रेजों को तो एक नॉन वायलेंट पठान वायलेंट पठानों से कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है। कॉलोनियल पावर्स के हाथ पठानों का ब्रूटल रिप्रेशन इसके बाद हुआ, और लेकिन इसके बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम जानकारी लोगों को है। किस्सा ख्वानी बाजार मैसेकर में खान अब्दुल गफार खान उनके संगठन के रोल की वजह से कॉलोनियल पावर्स ने पठानों का ब्रूटल रिप्रेशन किया, लेकिन इसके बारे में इंडिया में बहुत कम चर्चा होती है क्योंकि अब पख्तूनिस्तान पाकिस्तान में है। लेकिन भारतीयों को ये याद रखना चाहिए कि बादशाह खान और उनके भाई आखिर तक पार्टीशन के खिलाफ थे, वो लड़ते रहे लास्ट तक। खुदाई खिदमतगार 1946 के इलेक्शन में फिर से विजयी हो गई और दोबारा जब्बार खान ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बागडोर संभाली। दूसरी तरफ सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ दोनों गांधियों ने एक मुहिम छेड़ दी और बहुत जगह कम्युनल हार्मनी के लिए कैंपेन किया। बिहार में एक जगह फ्रंटियर गांधी ने कहा, अगर हिंदुस्तान जलता है तो हम सब हार जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। जो अमन और मोहब्बत से हासिल किया जा सकता है वो नफरत और ताकत से कभी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन 1947 के बाद पख्तूनिस्तान की राजनीति भी बदलने लगी और बादशाह खान ऐसे भी दुखी हो गए थे क्योंकि वे आजाद पख्तूनिस्तान के हक में थे। उनका मानना था कि कांग्रेस के नेताओं ने उनको धोखा दिया क्योंकि रेफरेंडम में दरअसल आजादी का ऑप्शन था ही नहीं, बस ये कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे या हिंदुस्तान में। 1969 में गांधी जी की जन्म शताब्दी के मौके पर बादशाह खान भारत आए थे। देश की हालत को देखकर वे दुखी हो गए। उनको लगा कि हम भी गांधी जी के रास्ते से भटक गए हैं। उन्होंने संसद के जॉइंट सिटिंग में कहा, You are forgetting Gandhi just the way you forgot Buddha. आज के हिंदुस्तान में हमको बादशाह खान जैसे कॉन्शियंस कीपर्स की जरूरत है। उनका एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हमारा हेरिटेज है और इसको याद रखना चाहिए। किस्सा ख्वानी बाजार का मैसेकर की 90th एनिवर्सरी 2020 में है। सरकार के लेवल पर इसको याद करने की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम हम आप तो इसको याद कर सकते हैं और उस इंक्लूसिव भारत की कल्पना कर सकते हैं जो अभी भी बन सकता है, जो फ्रंटियर गांधी और महात्मा गांधी चाहते थे। तो आज का सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान की जिंदगी से जुड़े हुए इतिहास के कुछ पन्ने खुद ब खुद खोल लेंगे। नमस्कार।
Thank you.